हम यहाँ ऋतु गोयल की शॉप को लूटने आए हैं। बस अब आप देखते जाइए, एक एक कपड़े हम चोरी करेंगे और शैलेश भाई पुलिस को बाद में बुलाएंगे। फायदा में शॉप इन्हीं की है, लूट लो। विनोदा स्विंकल्स फिल्म जो आने वाली है हमारी, और सुष्मिता जी, सुष्मिता मुखर्जी इसमें लीड करी, हमारी किटी जो रही है हमेशा, तो उनका लीड है और काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं। तो हमने जैसे पहले भी फर्स्ट हमारा हमने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था, दैट दिस कॉस्ट्यूम डिज़ाइन विल बी डन बाय मोदा वांटे ओनली, एंड सो वी आर हियर सर्चिंग फॉर अ ब्यूटिफुल क्लोथ्स। और मेरी आप जो ड्रेसेस देखते हैं ना, वो ज़्यादातर ऋतु गोयल मोदा वांटे की होती है, बाय ऋतु गोयल से होती है, एंड फिर तो आसानी से मिल जाएगा। आप वहीं पे खड़े हो। She knows my taste. Whatever I wear, I look serious, very beautiful. She is already beautiful, and I make a cherry on the cake. ठीक है, सच कीजिए, देखते हैं मिलता है। योगा आपके दिमाग में क्या है मैडम कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब उस टाइप का मिल जाए तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे? हमारा जो कैरेक्टर है फेडोरा, स्टोरी बता नहीं सकती हमें आपके याद में ग्लिटरी आउटफिट्स चाहिएगा, और थोड़ा सा रिवीलिंग, नॉट दैट ग्लैमरस बट ग्लिटरिंग एंड रिवीलिंग। तो फिर आपको तो पता होगा ऐसा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे? हम लोग को देखिए कस्टमाइज करना पड़ता है, अवेलेबल तो ठीक है, लेकिन अभी जब हम कुछ नया यूनिक कर रहे हैं तो हम लोग को यूनिक बनाना पड़ेगा, कस्टमाइज करेंगे एक्टर्स के अकॉर्डिंग। ओके ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। मैं भी ऐसे एक स्टोर एक दिन रखूंगी और 365 कपड़े खरीदूंगी साल वो दिन आएगा। या फिर हमारे जो चिट्टी भैया थे ना, चिट्टी भैया कहाँ पे जो हमारी फरमाई थी ना रजनीकांत जी की रोबोट, उसमें वो मॉल नहीं खरीद लेता है अपनी, काश ऐसा कोई मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे कि मुझे मॉल गिफ्ट कर दे। चिट्टी भैया आप क्या कहेंगे इस बारे में? मतलब दूसरा लेयर भी है, ये एक लेयर है, इसके अंदर ये दूसरा लेयर है, सो ये एंड दिस इज अ बेल्ट, इट विल फिट अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट। अनंत भाई से पूछो, इसमें भी दो लेयर पे काम किया गया है, ये बटर क्रेप की लाइनिंग ताकि आप पहन के भी जितना मर्जी गर्मी हो आपको गर्मी नहीं लगेगी, इतने हैवी ड्रेस में भी। अरे इन्हीं के साइज का बनाते, 40 जो भी साइज है। लंबा हो गया, कोई आ गया तो वाओ, लंबा होगा तो मैं इनके लिए पीस खोल के फिर इनके साइज का बनाएंगे।
नहीं परफेक्ट जा रहा है, सही है, चलो ठीक है। तो दिवाली पे भी कुछ स्पेशल होगा, लेट्स सी। मतलब अभी हम तो फेडोरा की तैयारी के लिए आए थे, दिवाली की भी तैयारी कर ली। आदमी एक करने जाता है, दूसरा काम अपने आप होता है। ये खासियत होती है ना लोगों की। ये खासियत मेरे में नहीं है। सारे कपड़े इन पे सूट करते हैं, करेगा कुछ भी लगा दो। नहीं, यू नो माय टेस्ट एंड सच में दुकानें बहुत सी हैं, शॉप बहुत सी देखी, लेकिन बहुत बार बार आते हैं तो कुछ तो बात होगी। लोग कस्टमर को हमेशा ध्यान में रख के डिजाइन करते हैं, मैडम तो आपको ही रख के डिजाइन कर रहे हैं। वैसे इनका शो होगा तो मैं इनके कपड़े पहन के जरूर रैंप वॉक शो स्टॉपर, शो स्टॉपर। थैंक यू। ओके, ऑफ़ कोर्स हम लोग हमेशा बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो ये चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। फेडोरा रिंकल्स फिल्म जो बन रही है, दिट्स लाइक माय बेबी, और मेरी हर चीज़ एकदम अहम और एकदम क्रिएटिव होती है। तो हम यहाँ पे मुदा वांते में आए, बाय रितु गोयल, गोरेगांव वेस्ट में है इनका बहुत प्यारा सा बुटीक है, स्टोर है, और हमें जैसा परफेक्शन चाहिए था ड्रेसेस के लिए वो है। यू कैन सी दिस इज़ जस्ट फॉर अ रेफरेंस फॉर माय फेडोरा। She's going to wear this kind of dresses, and आप देख सकते हैं कि आप even try भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जिस तरीके का collection चाहिए, आपकी फिल्में हैं, आपके arts बनते हैं, आप वो जो भी चीज़ चाहिए you will definitely get here, can see the stuff also, जो हमें चाहिए था हमें मिला, और हमने काफ़ी टाइम से हमारी ये तैयारी चल रही है। मैं चाहती हूँ जुनैद भाई प्लीज़। हम लोग यहाँ पर हैं ऋतु गोयल के मुदावांते ब्यूटीफुल शोरूम में। ऋतु गोयल बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस का बहुत सारे फिल्मों के लिए इन्होंने कस्टम डिज़ाइनिंग किया हुआ है, बहुत सारे फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी किया हुआ है। तो ये सब सोचते हुए कि हमको जिस टाइप का चाहिए, तो हमारे जो मुंबई रफ्तार शैलेश भाई, उन्होंने हमको रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा, और उसके बाद से फिर इरम जी की सी स्टाइलिंग ऋतु गोयल ही करते आ रही है, और आप देख रहे हो कि इतने खूबसूरत जो कपड़े पहनती है वो ऋतु गोयल के कपड़े रहते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद जो एज अ फिल्म मेकर जब मैं देखता हूँ, तो मुझे सब याद कि एम्प्लीमेंट ऑफ चॉइस है, आपको एक नहीं, दस नहीं, पंद्रह नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। मैं ये देख के अरे हाँ ये कॉस्ट्यूम इसको ये काम आएगा, ये काम है, मतलब इतना देख के कन्फ्यूजन, मतलब कि क्या ले क्या ना ले। और माशाल्लाह इतने खूबसूरत ड्रेसेस है, और जैसे अगर कोई फिल्म है मेकर है ये है, और यहाँ से बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स भी आपको हैंड पे भी मिलते हैं, और डिज़ाइनिंग भी होती है, तो इज़ अ कम्प्लीट प्लेस फॉर अ फिल्म मेकर। तो उनका यहाँ पर वन स्टॉप शॉप, यहाँ पर आपको एसेसरीज, ड्रेसेस, शूज, टोटल कॉस्ट्यूम हो जाता है। और जैसे इसीलिए हमने सोचा कि ऋतु गोयल को हम हज़ार फैशन डिज़ाइनर या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हमारे फेडोरा सिंकल्स में ले ले, तो प्लस पॉइंट एज अ पर्सनल डिज़ाइनर टू द फिल्म डिज़ाइनर भी हो गई हो, सो शी कैन गिव गुड जस्टिस फॉर फेडोरा सिंकल्स। हमारे साथ आज है हमारे एडी मिस्टर चिराग पंचोली, एंड ही विल गिव मोर डिटेल्स, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम ये हमारे साथ ऑन कैमरा आ रहे हैं, तो आज ये भी कुछ बहुत अच्छा कुछ बताएंगे। सीन्स के बारे में बताओ, जस्टिफिकेशन दिस क्लोज टू द कैरेक्टर्स। सीन ऐसे हैं फेडोरा के कि हमारी फेडोरा बहुत यंग दिखना चाहती है, जो यंग है, सो इसलिए हमने मैम ने ऋतु मैम का वो दिया है रेफरेंस कि हम उनके स्टोर चलते हैं, जिससे वो उनकी बोलते ना उनके कैरेक्टर में वो चार चांद लग जाएंगे उनकी ड्रेस पहन के। इसलिए आज हम स्टोर विजिट पे हैं कि ड्रेसेस कितने अच्छे लग सकते हैं, और हम लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हम कौन सा ड्रेस उनको वेयर करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शन है यहाँ पर। थैंक यू। कोई ऐसा कॉस्ट्यूम पसंद आया जो लगा सीन में हो सकता है, मतलब आप इसका जवाब ये देंगे? कलेक्शन आपको समझ में आया? हाँ, कलेक्शन समझ में आया, वही अभी मैं वही बता रहा था कि हम जो सोच के आए थे हमने वो देखा, बट उसके अलावा भी हमें दूसरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, कि अब हम थोड़े कंफ्यूज हैं, मैम से वही डिस्कस कर रहे थे कि मैम ये ड्रेस पे जाए, सर से भी ये डिस्कस चला था कि किस उस पे हम लॉक करें, कि हमें यही मटेरियल चाहिए या यही ड्रेस पे हम लॉक कर सकते हैं। थैंक यू। हम हमेशा देखेंगे आप बहुत सारे स्टाइलिश वेयरिंग कपड़े पहनते हो, अभी लाइक
बिल्कुल आते ही मैंने अपनी तैयारी कर ली, मैंने और भी चीज़ों की तैयारी कर ली, कलेक्शन ही इतना अच्छा है। मैंने 15th of August के लिए जैसे मुझे काफ़ी जगह पे इनवाइट किया गया है, और ऑफकोर्स बीइंग अ इंडियन एंड पेट्रियोटिज्म मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, और 75th ईयर होने वाला है हमारे स्वतंत्रता दिवस को, हमारे देश को आज़ाद हुए, एंड हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें कुछ भी करने की आज़ादी है इन अ गुड मैनर। सो ऑफकोर्स आई एम रेडी विद दिस माई गुड क्लोथ्स ऑल्सो, और दिवाली का भी मैंने यहाँ पे अपना ड्रेस यहीं से लिया है। क्या मैसेज देना चाहोगे 15 अगस्त के लोगों को? मैं ये कहूँगी कि अपने हद में रहिए, आप इंडियन हैं, आप सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हद में रह कर चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और मैं तो कहूँगी इंडियन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो बीइंग एन इंडियन मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत मेहनत का काम कर रही हूँ, और एक जायज तरीके से काम करिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और 75वें स्वतंत्रता दिवस पे हमारे देशवासियों को मैं इरम्स एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर इरम फरीदी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारी फिल्म फिडोराज रिंकल्स की के जो फैशन डिज़ाइनर है वो हमारी रितु गोयल जी हैं, मोदा वांते बाय रितु गोयल, एंड फिडोराज रिंकल्स का जो फैशन डिज़ाइनर का क्रेडिट भी जाएगा वो इन्हीं को जाएगा। एंड हम बहुत पहले मिले थे और काफ़ी टाइम से हमारी तैयारी चल रही है, तो रितु ने एक ही चीज़ कहा है ना, बस जस्ट सिट एंड रिलैक्स, जैसे मैंने तुमको तुम्हारे इवेंट्स में खूबसूरत बना के भेजा है विद गुड ड्रेसेस, डेफिनेटली दिस माई प्रॉमिस कि ये फिल्म में भी जैसे हमें टेस्ट चाहिए था, जो जो चीज़ें चाहिए थी बहुत बहुत बारीकी से के साथ उन्होंने लिया, और हमें उस तरीके की प्यारी प्यारी ड्रेसेस हमारी फिडोरा के लिए बना के दे रही हैं। रितु जी आप बताइए क्या अपडेट किया गया स्टोरी में, किस तरह कलेक्शन चाहिए, क्या रिक्वायर है फिडोरा? फिडोरा बेसिकली मैं ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती हूँ आपको, बट हाँ मैं कॉस्ट्यूम के रिगार्डिंग बोलूँगी, हमें बहुत ही एलिगेंट वे में ग्लिटर दिखाना पड़ेगा बिकॉज मूवी का डिमांड यही है, एंड जो भी बाकी के कैरेक्टर्स हैं बहुत डाउन टू अर्थ नॉर्मल लाइफ के हम कपड़े दिखा रहे हैं, और बीइंग इरम अ प्रोड्यूसर मैं इनके साथ एट डिज़ाइनर काम कर ही नहीं रही हूँ, मैं इनके साथ कर रही हूँ किसी से, वो मेरा प्रोजेक्ट है, आई एम जस्ट गिविंग माई हार्ट एंड सोल इन टू इट, दैट्स इट, कोई प्रोफेशनलिज्म कोई ऐसा रिलेशन से मैं काम नहीं कर रही हूँ ये मूवी में, ये जस्ट एक घर के तरह अपना प्रोजेक्ट लेके आई एम डूइंग इट, राइट? यस यस। सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, आप तो खुद के मेरा हो, आपको दिख गया यहाँ पर कि किस तरह के कलेक्शन अभी। हाँ मैं बोलना चाहूँगा कि औरतों के बीच में मैं क्या बात करूँ, मुझे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन है हाउ इज द समोसा, इनको बहुत पसंद समोसा, इन्हें इनको हमने स्पेशली खाया है ताकि अच्छा अच्छा बोले, सजेस्ट करें, प्लीज कंटिन्यू। आज हम मैं पहली बार आई हैव कम हियर विद इरम मैम and my producer of the film, and I'm dealing with Ritu for the first time, and she's a very lovely beautiful looking girl, and she's done a beautiful job. सबसे पहली बात ये कि आप लोग भी इनकी बुटीक में आइए, आप ये मैं एड्रेस करना चाहूँगा लोगों को, इट्स वेरी पॉजिटिव फीलिंग ओवर हियर, वेरी नाइस वर्क एंड एवरीथिंग, और ये शी इज़ डिज़ाइनिंग फॉर आवर फिल्म, और शी इज़ अ वेरी गुड होस्ट, आपको अच्छा समोसे भी खिलाएगी, आपको वड़ा पाव भी खिलाएगी, चाय भी पिलाएगी, तंदूरी भी खिलाएगी, मजाक कर रहा हूँ, बट शी इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड आई लाइक हर कलेक्शन वेरी मच। इनके अभी इन्होंने जो बात बोली तो वो मुझे रिफ्लेक्ट कर गया 90s में, जब मैं हम लोग आज भी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं एज एन एक्टर, लेकिन उस टाइम पे इस किस्म का जो व्यवहार था ये मनीष मल्होत्रा का ऐना सिंह का हुआ करता था, वो मुझे बुटीक में बुला के अपना एक जैकेट दे देती थी, बोलती ये पहन के जा शूटिंग करके आया, और मैं वो उससे शूटिंग करके फोटो सेशन करके वापस दे देते थे और वो चार्ज नहीं करते थे, वैसी बातें पुरानी ये इन्होंने याद दिला दी। आई विश ऑल द बेस्ट, मे जीसस ब्लेस हर, एंड ये बहुत ज़िंदगी में आगे जाएं। और क्या पूछना चाहते हैं आदित्य जी, आप बताइए और इसके पहले अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो मतलब आपने किया कॉस्ट्यूम? मैं पर्सनली सुष्मिता सेन की भी डिज़ाइनर रह चुकी हूँ शी ब्रांड में, और अनुष्का के साथ इंटरव्यू शिल्पा शेट्टी से बेस्ट इंटरनेशनल डिज़ाइन अवार्ड मिले, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे वेब सीरीज़, और अभी मैं नेटफ्लिक्स के लिए भी कर रही हूँ, एंड अभी हमारी अपकमिंग 2-3 अच्छी स्टारकास्ट के साथ मूवी भी है। पर्सनली मैं सेलिब्रिटीज़ का बहुत करती हूँ, लाइक अभी मैंने अनुप्रिया का किया था, अनुप्रिया गोयनका, एंड
अभी तो याद भी नहीं, शिवानी कश्यप एंड ऐसे बहुत सारे हैं। शिवानी कश्यप का जस्ट आई वाज, अभी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि हमारे स्टोर में भी आते हैं एंड वी डू इट फॉर देम। अब बात करें तो कपड़े देख लिए, बात भी हो गई, फ्लोर पे कब से जाने का प्लान है, शूट पे कब से है? 29th of August से हमारी फिल्म की शूटिंग है और फिंगर क्रॉस, दुआ करिए कि सब अच्छा जाए और अच्छा ही जाएगा। और सुष्मिता मुखर्जी जी को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी जो हमारी फिल्म की फेडोरा बन रही हैं। और अश्विन जी मैं चाहती हूँ कुछ दो वर्ड्स और बोले क्योंकि फेडोरा को बहुत पर्सनली जानते हैं, अरे नॉट इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में भी, क्योंकि रियल लाइफ इन्होंने ही कहते ना ताना बाना बुना इस कैरेक्टर का, तो ये ज़्यादा बताएंगे। अच्छा, मैं अश्विन जी के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ स्टार्ट करने के पहले। ओके ओके, अभी अभी लास्ट जब मैं इनसे मिली, मैं एक्चुअली इतनी इम्प्रेस हो गई इनसे, बस एक शी वांट्स टू गो आउट फॉर अ डेट विद मी, आई वुड लव टू, आई वुड लव टू, आई एम बैचलर। ओके, आई लेट मी करेक्ट माय वर्ड्स, इम्प्रेस हो गई इनके वर्क से, काम से। इन्होंने एक सेकेंड में फेडोरा को बैठाए और इन्होंने स्टार्ट कर दिया कैमरा 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 एंड ट्रस्ट में इतना सुंदर पोस्टर एक टैलेंटेड डायरेक्टर 5 मिनट में इन्हीं की तरह निकाल सकते हैं। ही डिड अ ग्रेट जॉब ही डिड दैट डे, आई वाज रियली वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया मेरा काम, लेकिन अब मेरी आई हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मीडिया के सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को प्रोडक्शन हाउस, तब उसकी अचीवमेंट तब होती है जब एक प्रोडक्शन हाउस किसी भी आर्टिस्ट को रिपीट करता है। और मिस्टर चैंग, एक जर्नी मेरी शुरू हुई थी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम who has repeated me as a director in the next project. अभी आगे we will leave no stone unturned, बड़ी बात करना नहीं चाहिए, आदमी को अपने काम से काम नहीं करना चाहिए, just pray for us and बाकी we leave it to Almighty. Thank you. अश्विन सर, 28 मई मैंने बताया 29 तारीख से शूट पे जा रहे हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं शूट को लेके और कितने दिन में ये पूरी शूटिंग खत्म करने का प्लान है आपका? जस्ट अनदर डे फॉर मी, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं सोचने लग जाऊँ, ये हो जाऊँ, तो वो यू नो एक सर्टन अजीब किस्म के एक प्रेशर्स बिल्ड होते हैं, ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे प्रेशर्स हैं। जस्ट अनदर डे, वी विल हैव अ गुड टाइम, वी हैव अ ग्रेट कास्ट, वी हैव अ गुड, माय प्रोडक्शन इज वेरी ग्रेट, स्पेशली इरम मैम, जुनेद एंड फैज एंड माय टीम, चिराग एंड एवरीबॉडी, यू नो वी हैव अ ग्रेट टीम। और जब टीम अच्छी होती है तो कैप्टन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो आई बीन टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। It's going to be just another day and I would like to give my best on it. और ये शूटिंग मेरे ख्याल में ये हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी शूटिंग तब शुरू हो रही है जब गणपति पापा आ रहे हैं। अरे गणपति पापा मौर्य। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।